Brought to you by My 11 Circle. First game free. Download the app now. IPL का अपना एक रंग है, एक नूर है, लेकिन इस बार स्लो ओवरहेड का चक्कर इतना बड़ा घन चक्कर बन चुका है कि टीमें अपने 20 ओवर का कोटा पूरा करने के लिए 5-10 मिनट की देरी नहीं कर रही, 20-20 मिनट तक की देरी है। कप्तानों को जुर्माना लग रहा है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो इस समस्या का समाधान क्या हो? क्या कुछ अन्य विकल्प है ताकि टीमें और उनके कप्तान नियमों को, कायदों को, कानूनों को सख्ती से लें और उस पर अमल करें? IPL गवर्निंग काउंसिल के मुताबिक हर टीम को अपने 20 ओवर फेंकने के लिए 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ये पहले से होता रहा है, नियम वही हैं, लेकिन अब सख्ती बरती जाएगी और मैच के बाद अंपायर्स ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे। अगर टीम 20 ओवर निर्धारित समय पर पूरे नहीं कर पाती है तो टीम के कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर कोई टीम एक सीजन में ऐसा दोबारा करती है तो टीम के कप्तान पर 24 लाख रुपये और टीम के बाकी खिलाड़ियों पर 25% तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा तीसरी बार हो जाए तो टीम के कप्तान को 1 मैच का बैन भी झेलना पड़ेगा। IPL 2022 में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल 2 बार स्लो ओवरहेड के लिए फाइन झेल चुके हैं। राहुल पर RCB और मुंबई के खिलाफ स्लो ओवरहेड के लिए फाइन लगा तो रोहित ने भी पंजाब और दिल्ली के खिलाफ स्लो ओवरहेड की मार झेली है। इन दोनों के अलावा दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी LSG के खिलाफ स्लो ओवरहेड मेंटेन करने के लिए जुर्माना झेल चुके हैं। SRH के कप्तान केन विलियमसन भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। उन्होंने RR के खिलाफ स्लो ओवरहेड मेंटेन किया था और फाइन झेला था। खैर, इस सीजन की तो बात ही छोड़िए, IPL 2021 में भी ऐसे कई मौके आए थे जब टीमों ने स्लो ओवरहेड की मार झेली थी, जिसमें RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली, CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी, KKR के पूर्व कप्तान इयन मॉर्गन और इस सीजन में 2 बार स्लो ओवरहेड के लिए फाइन झेल चुके मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का नाम शामिल है। अब आपके और हमारे मन में सवाल आता है कि ऐसे मौकों पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि IPL में करोड़ों में बिकने वाले खिलाड़ियों के लिए चंद लाख रुपए की फाइन शायद कोई खास फर्क डालेगा नहीं। ऐसे में अगर टीम की बैटिंग के दौरान ओवर्स में कटौती की जाए तो मान लीजिए किसी टीम ने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से अपने ओवर्स खत्म किए तो क्यों ना उसकी बैटिंग के दौरान 2 ओवर्स की कटौती की जाए। ऐसे में टीमें अपने ओवर्स समय पर खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी और हमें लगातार हो रहे स्लो ओवर्स में शायद कमी देखने को मिले। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए स्लो ओवरहेड के लिए रूल्स। स्पोर्ट्स तक भी हो, मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।